To आज डिस्कस करना चाहती हूं कि कैसे हमले का से करेंबलरी इंपॉर्टेंट है और किस सेक्शन से कितना वो कैबलेरी आता है अगर आप प्री की बात करोगे तो प्री में वो कैबलेरी अराउंड वन थर्ड ऑफ द पेपर होता है यानी अगर हम सीजीएल की बात करें तो पच्चीस क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में जिसमें सात से आठ करीबन वो होता है लेकिन याद रखना ये कभी कभी दस तक पहुंचता है जैसे सिनोनिम की बात करोगे तो दो सिनोनिम, एंटोनिम दो आएगा एडियम्स एंड फ्रेजेस दो से तीन एंड वन वर्ड सब्सिट्यूशन दो से तीन आता है अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स भी जोड़ दो तो वो भी दो हो जाते तब तो दस हो जाएगा ठीक है तो करीबन आपके 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 आप समझ सकते हो कि अराउंड वन थर्ड ऑफ द पेपर से ज्यादा ही हो गया है है ना ये आता दी में यानी टीयर वन में लेकिन अब टू तो की बात करोगे तो सिनोनिम एंटोनिम की वैल्यू बहुत अधिक नहीं बढ़ती ये दो से वो में तीन हो जाता है एंटोनिम दो से ज्यादा से ज्यादा तीन हो जाएगा लेकिन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टेन आते हैं idioms and phrases 10 आते हैं और स्पेलिंग्स भी दो से तीन आता है यानी ये करीबन आपका हो जाता है कितना 10 10 और करीबन 4 5 6 ऐसे यानी कि अराउंड ट्वेंटी 28 क्वेश्चन हो जाते हैं टीयर 2 में टीयर 1 में ये काफी अहमियत रखता है और अब टीयर 1 पास करोगे तब ना टीयर 2 में जाओगे लेकिन मेरा मानो सबसे पहले आप idioms and phrases करिए वो याद करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि हम उसको किसी चीज से रिलेट कर देते हैं और क्लास में जैसे हमें आपको रिलेट करके करवाऊंगी इडियम्स एंड फ्रेजेस आप कभी नहीं भूलोगे अगर आप सिनॉनिम एंटोनिम की बात करोगे तो मैं हमेशा समझाती हूं कि आपको वर्ड मीनिंग याद करना है और प्रैक्टिस करना है तो सिनोनिम करोगे हाँ एंटोनिम प्रैक्टिस से करते हैं सिनोनिम याद करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन एंटोनिम फिर याद नहीं किया जाता वो जो अपोजिट मीनिंग होते हैं वो हम देख के प्रैक्टिस करते हैं इसके कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेरे बुक में लेकिन मेरी मानो तो आप कोर्स ज्वाइन कर लो क्योंकि उसमें मैं आपको हर रूट से बताती हूँ कैसे रूट से वो कैब्रेरी को याद कर सकते हैं तो तीन से चार वो एक रूट से बन जाता है तो अगर मान लो हमें एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी आ रहा है वहां पर समझ में तो रूट से अगर हम बिल्कुल एक कहते हैं ना फील आता है कि हाँ यही सही होगा 99 परसेंट चांस होता है कि वो सही हो जाता है क्योंकि आप उसके रूट जानते हो इसीलिए मेरा सजेशन है सबसे पहले आप एडियम्स एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस करिए क्यों क्योंकि प्री में ये दो या तीन मार्क्स के हैं लेकिन मेंस में टेन मार्क्स है फिर आइए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में और लास्ट में आप सिनोनिम और एंटोनिम करिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम याद करते हैं भूल जाते हैं फिर याद करते हैं भूल जाते हैं बेटा आपका अकेले का ये प्रॉब्लम नहीं है ये प्रॉब्लम सभी का ये जनरल प्रॉब्लम है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है याद रखना आप याद करते हो आप भूल जाते हो आपको लगता है कि हम भूल जा रहे हैं एट द बैक ऑफ योर माइंड दट इजोर इसीलिए आपके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय कर्म करने के आप बस काम करते रहिए फल की चिंता मत करिए वो ईश्वर देगा अगर आप मेहनत करोगे तो लेकिन सटीक तैयारी इंपॉर्टेंट है मेहनत सब कर सकता है लेकिन स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वी विल डू स्मार्ट वर्क एलोंग विथ एडुकेमी क्योंकि तैयारी आपकी है जिम्मेदारी हमारी है थैंक यू सो मच